जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 सीज़न 14 की शुरुआत टीम इंडिया के कप्तान वर्सेस उपकप्तान के बीच होने वाली है, जहां एक तरफ होंगे विराट कोहली तो दूसरी तरफ होंगे टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बैंगलोर की कप्तानी करेंगे विराट कोहली। जहां रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से ओपनिंग करेंगे तो वहीं बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग करेंगे विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, ये सीज़न नया होगा, इस सीज़न में कुछ खास होगा क्योंकि हर टीम में कुछ बड़े बदलाव हैं और टीम बैंगलोर भी कुछ बदलावों के साथ नज़र आ रही है, जो हमने इससे पहले अपनी वीडियोज़ में आपको डिटेल प्रोवाइड करा दी है कि कौन सी प्लेइंग 11 होगी और आप तक बहुत जल्द जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत यानी कि सीज़न की शुरुआत होने से पहले बात कर लेते हैं पुरानी यादों की। पुरानी यादें दोस्तों हमेशा ही ताज़ा रहती हैं दिमागों में, क्योंकि दोस्तों जो पिछला सीज़न यानी कि आईपीएल सीज़न 13 हुआ था, वहां पर काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ था बैंगलोर वर्सेस मुंबई का। जी हाँ दोस्तों, ये था मैच नंबर 10 और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम मैदान था। वहाँ पर एक भी शख्स मौजूद नहीं था सिवाय कैमरामैन क्रू और टीम मैनेजमेंट के, क्योंकि कोविड-19 के खतरों के बीच ये सीज़न खेला गया था। लेकिन जो मुकाबला हुआ था वो धड़कने रोक देने वाला था, क्योंकि दोस्तों उससे मिले थे हमें ईशान किशन जैसे प्रमुख बल्लेबाज और डी विलियर्स की वही धमाकेदार पारी। तो आपको बताने वाले हैं पिछले सीज़न के पूरे हाइलाइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब बैंगलोर वर्सेस मुंबई का मुकाबला हुआ था तो उस मुकाबले में क्या कुछ खास हमें देखने को मिला था, उसकी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरी डिटेल बताएंगे कि उस सीज़न 13 के मुकाबले में जब पहला मुकाबला हुआ था मुंबई और बैंगलोर के बीच, तो क्या स्कोर बना था, कैसे सुपर ओवर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहला सुपर ओवर हमें सीज़न का देखने को मिला था 13 का। तो क्या सीज़न की शुरुआत जो 2021 सीज़न 14 होने वाला है उसकी शुरुआत भी हमें सुपर ओवर से देखने को मिलेगी, ये अलग रोमांच रहेगा। दोस्तों आपको बताएं कि पिछले सीज़न के पहले मैच में जब बैंगलोर वर्सेस मुंबई आमने सामने थी, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों आरसीबी ने बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया था। वो लक्ष्य था 201 रन का। जी हाँ दोस्तों, 20 ओवर के अंदर बैंगलोर की टीम ने 201 का लक्ष्य दे दिया था, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और हर कोई गेंदबाजी का फैसला करता है। लेकिन जब बैंगलोर की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, तब उनके साथ थे देवदत्त पडिक्कल के साथ ओपनिंग में एरन फिंच, जहां इस टीम ने इनको रिलीज़ कर दिया है और किसी ने नहीं खरीदा, और उनकी जगह इस बार ओपनिंग करेंगे विराट कोहली। तो एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने पहली पार्टनरशिप बहुत लंबी चलाई थी। 40 गेंदों पर 54 रन देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से आए थे, 135 का स्ट्राइक रेट था, 5 चौके 2 छक्के शामिल थे। शुरुआत बहुत बेहतरीन थी क्योंकि एरन फिंच ने भी 35 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली थी 7 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाद ट्रेंट बोल्ट का नाम सामने आता है, तो देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच की विकेट, इन दोनों की विकेट ट्रेंट बोल्ट ने ही ली थी। ऐसे में दोस्तों हमने ये भी देखा था कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली। उम्मीद थी कि विराट कोहली बहुत देर तक बल्लेबाजी करेंगे, जो स्कोर कार्ड चल रहा है 10 रन प्रति ओवर उसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन 11 गेंद ज़ाया करते हुए महज 3 रन बनाए और 27 की स्ट्राइक रेट पे बॉलर राहुल चहर यानी कि एक स्पिनर की गेंद पर आउट हो गए। विराट कोहली का दोस्तों यही थोड़ा बहुत खामियाजा रहा है कि शुरुआत से ही स्पिनर ने इनकी नाक में दम कर रखा है। अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, जहां पर इंग्लैंड के घातक स्पिनर राशिद ने भी इनकी नाक में दम कर रखा था, और कई मुकाबलों में राशिद ने ही इनकी विकेट ली है। अगर राशिद ना सही तो मोइन अली इनकी विकेट लेते नजर आए थे। लेकिन विराट कोहली के बाद दोस्तों मैदान पर आए थे मिस्टर 360 डिग्री एबीडी विलियर्स, और एबीडी विलियर्स के बल्ले से जो उस दिन पारी आई, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था दोस्तों, क्योंकि महज 24 गेंद के अंदर इस खिलाड़ी ने 55 रन ठोक दिए। 55 रन वो भी 4 चौके 4 छक्के की मदद से, यानी कि 40 रन बाउंड्री से आए, उसके अलावा जो बचे कुचे रन थे वो सिंगल डबल। लेकिन एबीडी विलियर्स की इस पारी की बदौलत बैंगलोर की टीम का स्कोर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, 12 रन प्रति ओवर आगे बढ़ रहा था। लेकिन दूसरे छोर से हम देखते थे दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि एक बल्लेबाज रन मारता है तो दूसरा बल्लेबाज खड़े होकर मैच देखता है और वह अपना क्रीज जमाने की कोशिश करता है। लेकिन तब शिवम दुबे ने बहुत तेज़ी से रन बनाए, क्योंकि उन्होंने महज 10 गेंदों पर 27 रन बना दिए, 1 चौके की मदद से और 3 छक्के लगाए थे। तो यहाँ पर पहला जो स्कोर बना फर्स्ट इनिंग का वो था 201 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे सफल गेंदबाजी रही थी ट्रेंट बोल्ट की। हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी को हाथ तक नहीं लगाया था उस समय भी। जेम्स पैटिंसन ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी नहीं करी थी, क्योंकि 4 ओवर में 51 रन नहीं देते थे, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस टीम इस बार इन्हें रिलीज करने मजबूर हो गई। जसप्रीत बुमराह के ओवर में 4 ओवर में 42 रन आ गए थे, यानी साफ दिख रहा है कि बुमराह का कोई कमाल नहीं देखने को मिलेगा बैंगलोर के सामने। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 34 रन देते हुए 2 विकेट झटक ही लिए थे। अब उसके बाद दोस्तों बारी थी यहाँ पर सेकेंड इनिंग की।
सेकंड इनिंग में दोस्तों उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत तेज़ी से रन को बनाकर कवर कर लेगी, क्योंकि टीम के पास 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी है। केरन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या, कुरनल पंड्या ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शुरुआत तो और ज़्यादा गजब की है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्वेंटन डिकॉक, रोहित शर्मा इनकी टीम में शामिल हैं, और ये सब खिलाड़ी हमें इस साल 2021 के आईपीएल में भी देखने को मिलेंगे। जहां दोस्तों ओपनिंग की थी तब 2020 में रोहित शर्मा और क्वेंटन डिकॉक ने, और लक्ष्य था सामने 202 रनों का, जहां पर 201 3 विकेट के नुकसान पर बेंगलोर ने फर्स्ट इनिंग में बनाया। तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा और डिकॉक बल्लेबाजी करने के लिए आए तो बहुत तेज़ी से विकेट खो दिए, क्योंकि यहां पर स्पिनर का दबदबा साबित हुआ और रोहित शर्मा क्वेंटन डिकॉक को स्पिनरों ने आउट कर दिया। 8 गेंदों पर 8 ही रन बना पाए थे रोहित शर्मा। वॉशिंगटन सुंदर ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी पवन नेगी ने। फिर क्वेंटन डिकॉक दोस्तों बल्लेबाजी कर ही रहे थे कि 15 गेंदों पर 14 रन बनाए, और बॉलर युजवेंद्र चहल, दोस्तों आईपीएल में ना जाने क्या हो जाता है चहल को, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो क्वेंटन डिकॉक को बहुत जल्दी आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप कमाल ये देखिए कि सूर्य कुमार यादव, जो हमेशा ही अकेले दम पर मैच जिताने के लिए और मैदान पर खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं, उनकी विकेट 0 रन पर ले ली थी। 2 गेंदों पर 0 रन ही बना पाए थे सूर्य कुमार यादव, और बॉलर इसरो उड़ाना ने इनकी विकेट ले ली और कैच पकड़ी थी तेज़ी से एबीडी विलियर्स ने। अब यहां पर टीम का 3 विकेट बहुत तेज़ी से गिर गया, मुश्किल थी सामने, कैसे पूरा करते। लेकिन दोस्तों हमने जैसा कहा आपको कि मुंबई इंडियंस के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता दे, तो उनमें से एक थे ईशान किशन, हार्दिक पंड्या और केरन पोलार्ड। अब ईशान किशन ने दोस्तों उस दिन कमाल की पारी खेली, 1 रन से ये गेंद बल्लेबाज चूक गया अपनी सेंचुरी में। 58 गेंद पर 99 रन की पारी खेली 9 छक्के और 2 चौके की मदद से, लेकिन बॉलर इसरो उड़ाना ने इनको 99 रन पर ही आउट कर दिया था। कैच पकड़ी थी सामने खड़े देवदूत पडिक्कल ने। हार्दिक पंड्या दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन 13 गेंदों पर 15 रन ही बना पाए थे। बॉलर एडम जाम्पा ने इनकी विकेट ले ली थी। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा दोस्तों, केरन पोलार्ड के बल्ले से इतनी दमदार पारी आई कि मैच को आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक लेके गए। 24 गेंदों में 60 रन की पारी केरन पोलार्ड ने खेली, 250 का स्ट्राइक रेट था इन महान का। अब 3 चौके और 5 छक्के इनकी इस पारी में आए, ये पारी बहुत गजब की थी। लेकिन दोस्तों ये पारी मैच विनिंग पारी साबित नहीं हुई ईशान किशन की, इसी वजह से आप तस्वीरें कहीं देख सकते हैं ईशान किशन की रोते हुए, जहां बेंच के बीच में रोते हुए दिखाई दिए, वो इसी मैच की थी, क्योंकि 99 पे बल्लेबाज आउट हो गया, ऊपर से टीम मैच नहीं जीत पाई। लेकिन जो मैच हार चुकी थी टीम, उस मैच को जीत तक लाने का काम ईशान किशन और पोलार्ड ने किया था। इसी वजह से दोस्तों मुंबई इंडियंस इतनी खतरनाक टीम है। लेकिन यहां पर अब स्कोर हो गया था टाई, 201 रन दोनों टीम ने बना दिए थे, जहां 5 विकेट खोई थी मुंबई इंडियंस ने। सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों इसरो उड़ाना ने की थी, 2 विकेट लिए थे युजवेंद्र चहल, एडम जाम्पा और वॉशिंगटन सुंदर के नाम भी 1-1 विकेट रहा था। लेकिन सुपर ओवर में दोस्तों गेंद थमा दी युवा खिलाड़ी नवदीप सैनी को, जो बेंगलोर के अहम गेंदबाज बन चुके हैं। नवदीप सैनी के सामने थे 2 घातक बल्लेबाज, एक था केरन पोलार्ड, दूसरे थे हार्दिक पंड्या, जो एक हाथ से ही छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 4 गेंदों पर 5 रन बना पाए थे सिर्फ केरन पोलार्ड एक चौके की मदद से, हार्दिक पंड्या 2 गेंदों पर 1 रन, और रोहित शर्मा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए क्योंकि 1 विकेट भी गिरी थी। तो ऐसे में सिर्फ 7 ही रन बना पाई थी पहली फर्स्ट इनिंग में सुपर ओवर में बल्लेबाजी करते हुए। अब इसको चेस करने के लिए उतरे मैदान पर सुपरमैन और विराट कोहली, यानी सुपर वी और सुपरमैन, एबीडी विलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी ने इसको आखिरी गेंद तक लेके गए मैच को, लेकिन जीत दर्ज कर ली। 4 गेंदों पर 6 रन एबीडी विलियर्स ने बनाए, तो विराट कोहली ने 2 गेंदों पर 5 रन बना के जीत सुनिश्चित कर दी बेंगलोर की। ये था दोस्तों आईपीएल 2020 के सीजन 13 में हुए पहले मुकाबले का हाईलाइट, जो बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। लेकिन इंतजार है आईपीएल 2021 के सीजन 14 की, कि कब इन दोनों टीम की भिड़ंत होगी। 9 अप्रैल को शाम 7:30 बजे किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, सबसे अहम यही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन पोलार्ड तो दिखने ही वाले हैं मुंबई की तरफ से। टीम में बदलाव होंगे बेंगलोर की, क्योंकि बेंगलोर हर बार कंफ्यूज दिखती है, कई बार बदलाव करती है, इसी वजह से ट्रॉफी भी दूर हो रही है। मुंबई इंडियंस की टीम दोस्तों ये देखने को मिलता है कि पिछले 5-6 सालों से वही प्लेइंग 11 के साथ उतर रही है, बल्कि कुछ तेज गेंदबाज को बदलती है, बाकी सब वही खिलाड़ी रहते हैं। इसी वजह से इन खिलाड़ियों के बीच तालमेल बहुत अच्छा है और टीम जीत जाती है। तो क्या लगता है दोस्तों पहले मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है मुंबई और बेंगलोर की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कैसी लगी ये वीडियो बता ही दीजिएगा दोस्तों, ऐसी और अपडेट को पाने के लिए, क्योंकि अगला मुकाबला सीएसके वर्सेस डीसी का सेकंड हाईलाइट जो होगा वो हम आपके लिए लाएंगे, क्योंकि 2020 का जो आकलन करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी की कमजोरी या खासियत जाननी है तो जानना होगा कि कैसे उस खिलाड़ी के अंदर पुराने समय में क्या बदलाव हुए। दोस्तों जैसे दोस्तों विराट कोहली हमेशा स्पिनर के सामने फंसते हैं, तो विराट कोहली के सामने रोहित शर्मा जरूर स्पिनर लाएंगे, और रोहित शर्मा और क्वेंटन डिकॉक की जोड़ी को तोड़ना है तो युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर को आगे कर दीजिएगा, एक बार फिर से सफलता हाथ लगेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।